पठानकोट शहर की अगर हम सड़कों की बात करें तो ज़्यादातर सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था चरमराई पड़ी है। अगर इक्का दुक्का काम हो रही हैं तो वहां बीजेपी और कांग्रेस में क्रेडिट वार होती दिखाई देती है। इस बार क्रेडिट वार का ताज़ा मामला सैली कुलिया रोड वार्ड नंबर 27 का है, जहाँ वाटर सप्लाई के लीकेज कनेक्शन के चलते बने खड्डे को ठीक करवाने के लिए क्रेडिट को लेकर भाजपा और कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए और जमकर हाथापाई हुई। मामला राजनीतिक तूल पकड़ने के कारण जिस परेशानी से लोग परेशान थे वे वहीं के वहीं रह गई और इस झगड़े को लेकर दोनों पार्टियां पुलिस अधिकारियों के पास जा पहुंची। नेशनल हाईवे से ना जी बाहर रोड के उपर ना उसे एक ना स्पाट है बड़े दिन का ना लीकेज है पानी का। उस संबंध में मैनू भी मैं उस दुकान के उपर मैं दो तीन बार गया तो दुकान वाले ने कंप्लेन की कि भाजी इतने रोड के उपर ना कोई एक्सीडेंट के चांस है, एक्सीडेंट हो भी ना कोई लेडीज एक दो बार डिग पे। मैं कंप्लेन की अपने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नहीं अपने नगर निगम से जो मैं कंप्लेन की वह कहते जी कोई अं परमिशन लैनी है, परमिशन लैके तो फिर असी काम छा क्योंकि वो थोड़ा रिस्की जहा उ ट्रैफिक ज़्यादा। अज वो बंदे बड़े दिनों बाद आए ना उत्थे, मैनू उत्थे दुकानदार ने फोन करके बुलाया कि भाजी बंदे आए ना तो नाल हो गए कम कुम जो सही ढंग हो जाए। उस बाद जो उ पार्षद ना वो भी उत्थे आए थे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मेरे तो बाद आए ना, उन्होंने आँदे मैनू ना गाल कट के किता। मैं उन्होंने कहा गाल क्यों कटी है, उन्हें आ गए मेरे घोले पहन की कोशिश की और मैंने मैंने गलों पढ़ लिया। बाद जी का कोई भरा एक एक चाचे का बेटा, एक ये फादर साहब, एक होर बंदे को जेडे मुलाजम दुकान इन्हें लागे दुकाना वो आ गए, वो सारे आ गए मेरे घोले पै गए। मेरी वाइफ के भी वो घोले पेना उन्होंने भी सट्टा लगियां, मेरी मदर आए ना छड़ाने लिये भी इन्होंने धक्केशाही करनी पड़ी सारे ने। सो ये गल है साढ़े दिमाग से कोई गल नहीं है, सू जो उन्होंने बुलाया भी कंप्लेन हुई है, कंप्लेन की फर्द जी ने पूछा सी मेरी डांग भी मारी है। डांग जी मारी है ना दसे की डाके की डांग मारी है किसी ने, अगर कोई धक्के शायद कि चार बंदे पांच है पै गए तो मैं तो कला खड़ा सी, चार पांच बंदे है जेडे ने यह मैनू मारन पैना, तो डांग जी है वो चार बंद मैं मार सकना कला बंदा उन्होंने डांग झूठ है। यह किस्म की अपनी जी धक्केशाही टाइप गल करने की कोशिश की, अगर तुम थोड़ा इन्ना ही लोगों का ज पब्लिक का बड़ा हुआ तो तुम डेढ़ महीने से उसे कंप्लेन है रोड की वो तुम इमीजिएटली क्यों नहीं ठीक कराई। अगर जो बंदे आए ना तो मैं अं एक पूरे पार्षद हाँ मैं उत्थे खड़ा हो मैं तो जेकर मैं कोई माड़ा चंगा किसी कहा गल वो है, गल यह है कि इन्हें बंद ने आते ही यह साबित करने की कोशिश की कि जो काम है ये मैं करा रहा बाकी लागे खिलाने की कोई लड़ नहीं। इवें नहीं होंगे एक इस भी शहरदार है और जिम्मेवार बंदे हैं, तीन तीन इलेक्शन असं जीते ना, ये अगर पहला इलेक्शन जीते है अगर इन्हें सेवा करना शुरू तो डेढ़ महीना बच्चे क्यों पाया उसे, वो तो डेढ़ महीना हो गया दो तीन एक्सीडेंट हो गए। सो हज ऐसी कोई गल नहीं है, धक्के शाही इन्होंने की पूरे परिवार की मसला होया तो कंसर्न जो बैगम नैशनल हाईवे में भी की उन्होंने परमिशन दी थी। अज के कारपोरेशन की टीम प्लस नैशनल हाईवे से जो बंदे आए हैं काम शुरू किया है उसे एक्स एम सी है डिविजन मार उन्हें आके मेरे नाल तबाही शुरू कर दी है, झगड़ा किया काम रोकने की कोशिश क्यों रोकने की कोशिश की कारण कहते कि पता नहीं मैं समझ लगी वो आते मेरे नाल उन्हें झगड़ा शुरू कर दिया। मैं सरकार तुम दसना मजा सर किन्ने बंदे से पहला तो विजय आया बाद फिर वो वाइफ आ गई है माँ आ गई है एक दो जने घर मेरे सिर चुना
ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ